मंगलवार दोपहर नीमच कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्रूट मार्केट में जय माता दी फ्रूट शॉप पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही की। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकानदार दुकान खोलकर व्यापार कर रहा है, जबकि नीमच कलेक्टर के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं और शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है। इसके बावजूद भी उक्त दुकानदार ने दुकान खोली और रिटेल का सामान बेचा। इस पर नीमच कैंट पुलिस की टीम ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये प्रशासन ने पहले ही पूरी गाइडलाइन दे रखी है, इसके संबंध में सबको बता रखा है कि कोविड-19 के तहत भीड़ नहीं लगना चाहिए और आप जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के अनुसार अपना माल बेच सकते हैं। ये नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, इसलिए इनके विरुद्ध 188 की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों पर की गई? ये अभी मैं जब से ड्यूटी पे आया हूँ तब से पहली कार्रवाई है।